हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, राइट. ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसके बारे में हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, कहाँ डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, सब कुछ ए टू जेड सब डिटेल में देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. चलो एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये है कि एज्यूम करेंगे हम कि एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, कंसिडरिंग अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाना भी पड़ेगा यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स होता है घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ भी हम बता देते हैं कि ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है. ओके, ऐसे अगर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसका क्या पोजीशन होगा, कहाँ पोजीशन होगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे रेफरेंस एक्सिस. ओके, तो बना लेते हैं रेफरेंस एक्सिस. ओके, तो ये हुआ हमारा रेफरेंस एक्सिस. ये जो मैं बना रहा हूँ ये है हमारे लिए रेफरेंस एक्सिस. ठीक है, ये हो गया हमारा रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस हमने एज्यूम किया है, ये एक्सिस है x-axis. सेम एक और हम एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस भी बना लेते हैं यहाँ पे. ये हुआ हमारा y एक्सिस. ओके, अब ये हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ओके, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बना लिए हैं. इसको हम एज्यूम करते हैं कि O is the center of the circular path. ठीक है, एज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली पॉइंट P पर है. यहाँ पे है इनिशियली वो पार्टिकल. ठीक है, इनिशियली द पार्टिकल इज़ एट पॉइंट P. अगर पार्टिकल पॉइंट P पे है इनिशियली, P पे अगर कोई पार्टिकल है इनिशियली, तो ये केस में हमारा जो रेडियस वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा. दिस इज़ द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो पार्टिकल जो इनिशियली पोजीशन पी पे था वो थोड़ी देर बाद समझो वो कोई नए पोजीशन पे आ गया, समझो यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पे भी हमने बना दिया, ये हुआ हमारा रेडियस वेक्टर. ठीक है, अब वो नए पॉइंट पे आ गया है, नया पॉइंट है पॉइंट क्यू. ओके, नया पॉइंट जो है वो है पॉइंट क्यू. तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा था तो पार्टिकल पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ आ गया है. अब इसने किया क्या, ये पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ के सेंटर पे एक एंगल डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे एक एंगल बना दिया. दिस एंगल इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ओके, यही एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ये एंगल और कोई नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही है. ओके, तो ओके, वैसे हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यहाँ पे हम बीच में बताने का ट्राई करते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा यहीं पे. ओके, तो वैसे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट नोट कर लो सब लोग कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये बना कहाँ पे, ये बना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बना है प्रॉपर एंगल थीटा. ओके, अब
एक बात इसमें नोट करने लायक है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन ओरिजिन बोल सकते हो या तो बोल सकते हो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, ये कभी भी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। एक्सिस मीन्स देख लीजिए, रेफरेंस एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, जैसे कि ये देखिए, ये एक्स एक्स इस पर डिपेंड नहीं किया, क्योंकि ये पार्टिकल का मोशन ही स्टार्ट हुआ था पी से और वो मूव करके गया कहाँ पे, पॉइंट क्यू पे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और हम ऐड कर लेते हैं, व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, इट डिस्क्राइब्स एन आर्क, एक आर्क डिस्क्राइब करता है ये पार्टिकल। ठीक है, अब आर्क है तो आर्क लेंथ भी होगा, वो आर्क लेंथ हम एज्यूम करते हैं दैट आर्क लेंथ एस एस, एस इज़ द आर्क लेंथ। ठीक है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इज एस, एस है वो आर्क लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सब पैरामीटर्स ले लिए हैं। अच्छा, हम ये भी बता देते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हमारे लिए कौन सा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये है एक हमारे लिए रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, ओके, तो डायग्राम शायद सबको क्लियर हो गया है कि क्या क्या हमने किया है। हमने एज्यूम किया है कि इमेजिन अ पार्टिकल विच इज़ इनिशियली एट पॉइंट पी, एज दिस मोशन इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज दिस मोशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल विच वॉज एट पॉइंट पी विल मूव टू पॉइंट क्यू डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस, राइट। एक पॉइंट हम यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर बना हुआ है, जो रेड कलर से वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ये रेडियस वेक्टर है, जिसको हम आर बोलते हैं या फिर आर बार बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हमने बता दिया कि क्या क्या है, सब पैरामीटर्स सब कुछ क्लियर कर लिए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो बताते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। सब डायग्राम हमको ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट क्लियर मालूम पड़ गया, नाम में ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगल। ठीक है, लेकिन इसका कुछ स्पेशलिटी, ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है सर्कुलर पाथ के सेंटर में, सेंटर ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल बन रहा है सेंटर पे, और कब बन रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम, देखो यहाँ से यहाँ तक जो आने टाइम, पी से क्यू पे आने जो टाइम लगा है, पी से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे आने जो टाइम लगा है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे आने जो टाइम लगा है, वो टाइम में ये एंगल बना है। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स हमको यहाँ पे याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, एक एंगल है। ठीक है, ये एंगल बनाया किसने, ये एंगल बनाया है किसने, रेडियस वेक्टर ने। ठीक है, किसने बनाया है, किसने ट्रेस किया ये एंगल को, रेडियस वेक्टर को, रेडियस वेक्टर ने ट्रेस किया। कहाँ ट्रेस किया, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे ट्रेस किया। कब ट्रेस किया, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेस किया है, और वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हो क्या रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है कि पॉइंट पी से जो पार्टिकल मूव हो रहा था वो अब आ गया है पॉइंट क्यू पे। तो कुछ हम कुछ की पॉइंट्स हम इसका डेफिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में तो एक एंगल ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एंगल है। ठीक है, एंगल है तो कोई तो बनाता होगा एंगल, मतलब कौन बना रहा है ये डायग्राम में, ये डायग्राम में वो जो एंगल थीटा है वो बना रहा है रेडियस वेक्टर में। यहाँ पे ये एक्सिस आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है ये और कुछ नहीं, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है रेडियस वेक्टर आर बार। ठीक है, ओके, तो हाँ, तो हमने क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है। कौन ट्रेस कर रहा है, ये ट्रेस कर किया जा रहा है रेडियस वेक्टर से, रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है, रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है, कहाँ ट्रेस कर रहा है, सेंटर पर ट्रेस कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है ये सेंटर किसका सेंटर है, सेंटर है सर्कुलर पाथ का सेंटर। ओके, कब ट्रेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेस करता होगा, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पार्टिकल पॉइंट पी पे था अब वो आ गया है पॉइंट क्यू पे। मतलब क्या, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, और ज़रूरी नहीं कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे जाए, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट, ये सारे की पॉइंट्स मिला के हम अपना डेफिनेशन बनाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं इसका डेफिनेशन। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसका रहेगा आंसर का, वो है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन सबको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने जो बताया यहाँ पे, और यहाँ पे सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इससे ही हम अपना इसका डेफिनेशन बनाएंगे।
तो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल। एंगल बताया मैंने, ट्रेस कर रहा था कोई, तो कौन कर रहा था ट्रेस? रेडियस स्पेक्ट्रम, ट्रेस्ड। ट्रेस मीन्स क्या हो रहा है? ट्रेस मीन्स यहाँ से समझो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से आ गए पॉइंट क्यू पे, ये फिनोमेनन को बोलते हैं ट्रेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है? रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है, कहाँ पे ट्रेस कर रहा है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एट द सर्कुलर पाथ, ठीक है? सर्कुलर पाथ के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कब ट्रेस कर रहा है? कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेस करता होगा। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है? इसके बाद बताएंगे एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हैं, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है? इन अ गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल में हो क्या रहा है? ये टाइम इंटरवल में पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है, ठीक है? इन अ गिवन टाइम इंटरवल व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये बना दिया हमने इसका डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया है। अब ये पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट्स हमने सिर्फ लिया था अपना डेफिनेशन बनाने के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं थोड़ा इसके बारे में देखते हैं एकदम डिटेल में कि क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है? तो अभी हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में ओके, तो सबसे पहले हमको जो दिख रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है डायग्राम में, कि एक पार्टिकल हमने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर है ओ, रेडियस है आर, देख सकते हैं सेंटर ओ है, रेडियस आर है, आर के डिस्क्राइब हो रहा है एस, राइट है? और सबसे मेन चीज़ डायरेक्शन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसिडर अ पार्टिकल, क्या कर रहा है पार्टिकल? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, सेंटर क्या है? विद सेंटर ओ, हमको सेंटर पता है ना, विद सेंटर ओ हमारा है सेंटर, रेडियस भी हमको पता है विद सेंटर ओ, रेडियस है हमारा आर, सेंटर ओ रेडियस आर, सेंटर ओ है रेडियस आर है, एक आर के डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग एन आर्क, या फिर डिस्क्राइबिंग आर्क लिखते हैं, डिस्क्राइबिंग आर्क, आर्क क्या है? आर्क का लेंथ है हमारे पास एस, डिस्क्राइबिंग आर्क एस, और डायरेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमने पहले हमने जो डायग्राम में देखा वो हमने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट है, सिर्फ चार पॉइंट याद रखो, क्या क्या है? पार्टिकल है, ठीक है? पहले पार्टिकल है, फिर सेंटर बताओ, सेंटर ओ है, थर्ड बताओ रेडियस आर है, फोर्थ पॉइंट ले लो कि डिस्क्राइब कर रहा है आर्क एस, और फिफ्थ बता दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पाँचों की पॉइंट मिला के मैंने फर्स्ट पॉइंट बना दिया, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेंटर ओ,
रेडियस आर डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पांचों पॉइंट से मैंने हमारा फर्स्ट पॉइंट बना लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने वो किया जो हमको डायग्राम में दिख रहा है, जो ये हमने वो लिखा है जो डायग्राम में दिख रहा है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन में एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका, जरा ध्यान से देखो। चलो थोड़ा मैथमेटिकल अब यहाँ पे देखते हैं कि समझो कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल समझो यहाँ पर है। देख मेरे मार्कर का आपको टिप दिखता होगा शायद, पार्टिकल ये पोजीशन पे है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ से मूव होके एक पूरा रेवोल्यूशन करके आ गया यहाँ पे फिर से, तो कितना एंगल बनेगा? एंगल बनेगा 2π, मीन्स 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा ऐसा घूम के आ गया तो 360। अच्छा, अगर पूरा 2π एंगल घूमने के बाद अगर मैं पूछूं कि कितना आर्क लेंथ या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने, पार्टिकल ने अपना डिस्टेंस, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसा मूव होके यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो है इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफरेंस के इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक पॉइंट मालूम पड़ा, हमको ये पॉइंट मालूम पड़ा है कि अगर टू पाई का एंगल बनता है तो वो जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है कितना? 2πr, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π तो ये कितने आर्क लेंथ को डिस्क्राइब करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π करस्पॉन्ड्स कितने को करस्पॉन्ड करता है? करस्पॉन्ड्स टू आर्क लेंथ 2πr, 2πr का जो आर्क लेंथ है इसको वो करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्क लेंथ जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, वो जो आर्क लेंथ है वो है 2πr, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर फुल वो पार्टिकल यहाँ से रिटर्न यहाँ पे आता है तो जो एंगल 2π होता है, अगर एंगल वो 2π मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π लिख उसने अगर किया है पार्टिकल ने, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? वो डिस्टेंस कवर करता है 2πr, ठीक है। एक बात मैं रिपीट कर दूं कि ये जो 2π है ये एंगल है, इसके लिए इसका ऐसा यूनिट आपको पता ही होगा रेडियन होता है, ठीक है। 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस कवर्ड है 2πr, ठीक है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि 1 रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है। बहुत सिंपल है, ये दोनों साइड मैंने 2π से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr अपॉन 2π, ठीक है। ये 2π कैंसिल हो जाता है, हमको मालूम पड़ता है कि फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। ये तो 1 रेडियन के लिए हुआ। चलो थोड़ा और आगे आते हैं, और अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो 1 रेडियन के लिए कंसेप्ट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि अगर समझो कोई आर्बिटरी कितना भी एंगल हो, कितना, ये तो 1 रेडियन हुआ, जरूरी थोड़ी है कि हर बार पार्टिकल 1 रेडियन का ही एंगल डिस्क्राइब करेगा। चलो मैं अज्यूम करते हैं फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया मैंने? थीटा रेडियन। अच्छा, मैं एक बार फिर से तुमको ये वाला पार्ट बता दूँ तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुमको समझने में। फॉर वन रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि फॉर थीटा रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है। फॉर तो थीटा रेडियन के लिए कैसे करेंगे हम लोग, दोनों साइड थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिस्टेंस कवर्ड विल बी आर थीटा, ठीक है। ये मैं एकदम रिपीट कर दूँ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। 2π जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्टेंस कवर्ड था इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। 1 रेडियन के लिए मैंने बताया इक्वल टू रेडियस आया, तो जब थीटा रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा रेडियन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर होता है? डिस्टेंस कवर्ड मीन्स आर्क लेंथ, जो एस बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो हमको ये क्लियर मालूम पड़ गया, अगर थीटा रेडियन है, मतलब थीटा रेडियन हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो वो टाइम पे कितना आर्क लेंथ होता है? आर्क लेंथ होता है आर थीटा। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक रिलेशन बना लिया। किसके बीच में रिलेशन बना लिया हम लोगों ने? देखो रिलेशन क्या हमको मालूम पड़ा है कि जो आर्क लेंथ है एस, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा विच इज़ इन रेडियन। ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया,
ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है रिलेशन, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे हमारा इंटरेस्ट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, तो हम यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकाल लेते हैं, जो है थीटा हम निकाल लेते हैं। मैं ऊपर ये छोटा सा ये ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि थीटा को हमको हमेशा रेडियन में लेना है, ठीक है। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस अपॉन आर, ओके, एस अपॉन आर। एस सबको पता ही है, एस को मैं बहुत बार बार बोलते रह रहा हूँ कि एस क्या है, एस है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। और ये जो आर है, आर सबको पता ही है, आर है रेडियस, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया, समझ गया रहेगा शायद सबको कि ये क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को। कौन सा रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है हमने क्या किया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने यहाँ पे किया अभी तक। हमने यहाँ पे किया था सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डेफिनेशन बनाने के लिए पहले मैंने डायग्राम को समझाया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ डायग्राम में। हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया, कंसिडर अ पार्टिकल पी, ठीक है, परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कंसिडर पार्टिकल पी विच इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ, रेडियस क्या है, रेडियस है आर, आर्क भी डिस्क्राइब कर रहा है, आर्क कितना डिस्क्राइब कर रहा है, एस, एस आर्क डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्क्राइब करता होगा, राइट। तो ये हमारा डायग्राम था, एकदम सिंपल सा डायग्राम। तो सबको आई थिंक सबको समझ में आ ही गया है कि डायग्राम क्या था। हाँ, एक बात और, यहाँ पे हमने रेफरेंस एक्सिस लिया है। एक बात मैं बता दूँ, रिपीट कर लूँ कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चेक कर लो आप, एंगल जो है, एंगल दो रेड कलर का, ये जो रेड कलर का जो वेक्टर है ये क्या है, ये है रेडियस वेक्टर। ये जो एंगल है, एंगल रेफरेंस एक्सिस से एंगल नहीं बना पा, एक बार चेक कर सकते हो रेफरेंस एक्सिस। तो इसके लिए एक पॉइंट मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, अभी बता देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे एंगल बन रहा है, करेक्ट ना। तो हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, ठीक है, एंगल है, एंगल है, कौन ट्रेस कर रहा है, रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है, देखो रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है, कहाँ पर ट्रेस कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पर ट्रेस कर रहा है, कब ट्रेस कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेस करता होगा, और ये टाइम इंटरवल में हो क्या रहा था, ये टाइम इंटरवल में पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव हो रहा था, ठीक है। फिर आता हूँ फर्स्ट पॉइंट, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। सेकेंड पॉइंट सबसे मेन है, सेकेंड पॉइंट में ये है कि जब एक बार पूरा एक ऐसा घूम के अगर पार्टिकल आ जाता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2π, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस है इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2π है। तो फिर मैंने दोनों साइड 2π से डिवाइड कर दिया, तो 2π को जब 2π से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 रेडियन, यहाँ पर 2π कैंसिल हो जाता है, बचेगा सिर्फ r। तो इसका मतलब है फॉर 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जरूरी थोड़ी हर बार 1 रेडियन आने वाला है, कभी कभी एंगल कितना भी हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर मैंने एंगल थीटा ले लिया, फॉर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन, ओके। तो हमको मालूम पड़ गया जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड मीन्स ये आर्क लेंथ, तो एस का हमको आंसर मिल गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन। मैंने थीटा रेडियन का आंसर निकाल लिया। थीटा रेडियन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थीटा का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो थीटा का जो आंसर है वो हमको मिल गया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने टोटल 2 पॉइंट देख लिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर थ्री। मैंने ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया है मुझे लगता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ डिपेंड करता है ओरिजिन पे, ये रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यही है हमारा पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन का, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे कर रहा था, डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे एंगल बन रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। बट आपको पता है ये डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, रेफरेंस एक्सिस, बट इट does not depends on reference axis,
रेफरेंस एक्सिस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पॉइंट नंबर 4, बहुत इजी पॉइंट था, कुछ ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है वो देखते हैं। चलो पॉइंट नंबर 5 तो बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, सबको याद होगा हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि एंगल व्हेन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड व्हेन दैट सेम एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एंगल ही है, तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करूँ तो वो पॉजिटिव आएगा, और वही एंगल को मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करूँ तो वो आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन कौन सा डायरेक्शन, पहले हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आता है ये पॉइंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, वो भी मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैंने तुमको ऑलरेडी बार बार जब हम वो छोटा सा रिलेशन निकाल रहे थे इसके पहले एस इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन में बार बार बता रहा था, थीटा रेडियन मीन्स थीटा का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। तो हमारा हो गया पॉइंट नंबर 6, एसआई जो यूनिट है थीटा का, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट है रेडियन, ठीक है। कभी कभी रैड भी लिख देते हैं, ओके। ये हो गया एसआई यूनिट, ओके। चलो अगर ऐसा यूनिट है तो चलो देखते हैं डायमेंशन ट्राई करते हैं। डायमेंशन क्या होगा, क्लियर आपको पता है कि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों डायमेंशन, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। जस्ट पहले मैंने एक अभी रिलेशन डिराइव किया था जिसमें मैंने बताया था थीटा इन रेडियन विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद होगा सबको, ये सबको पता है आर्क लेंथ लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, रेडियस रेडियस भी एक टाइप का लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर, कैंसिल मीटर मीटर, बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन आना इम्पॉसिबल है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ओके। ये हमने पढ़ लिया, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या सिंपल सा आंसर है कि जो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है, कैसा है फाइनाइट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है तो हम उसको स्केलर ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। पॉइंट ध्यान से सुन लो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, तो हम उसको कैसे एज्यूम करेंगे, हम उसको एज्यूम करेंगे स्केलर, अल्जेब्रिक स्केलर। और जब वो एलिमेंट्री वैल्यू है, एलिमेंट्री मीन्स छोटा सा वैल्यू है, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम उसको वेक्टर ट्रीट करेंगे। मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर वैल्यू फाइनाइट आता है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम एज्यूम करेंगे अल्जेब्रिक स्केलर, स्केलर जैसे ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हम ये बताएं कि ये स्केलर कब होगा, और पॉइंट नंबर 9 में हम बताएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब होगा। तो पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री वैल्यू के लिए क्या आंसर आने वाला है और बाकी सब के लिए क्या क्या आंसर आने वाला वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर
हम लोग ने टोटल कितना पॉइंट देख लिया, 6-7 पॉइंट देख लिया। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8 है व्हेन पार्टिकल रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन, जो हमको पता है कि प्लेन में होता है, राइट है? व्हेन पार्टिकल रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल मोशन ना, सर्कुलर मोशन, इसलिए हम लिख रहे हैं वहाँ पे इन अ प्लेन। इन अ प्लेन तो हम, मैंने तुमको ऑलरेडी पहले बता दिया कि फाइनाइट रहेगा तो हम स्केलर रिज्यूम करेंगे, और अगर एलिमेंट्री वैल्यू है तो वेक्टर लेंगे, ठीक है? तो हमने क्या लिखा, व्हेन अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, द फाइनाइट मीन्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, कुछ बड़ा वैल्यू है, द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कैसे ट्रीट करेंगे हम उसको, कैन बी ट्रीटेड एज बताया था मैंने, कैसे ट्रीट करेंगे, अल्जेब्रिक स्केलर, ठीक है, अल्जेब्रिक स्केलर हम उसको ट्रीट करेंगे, फाइनाइट वैल्यू है तो। हाँ, अब हम देखते हैं कि अगर छोटा वैल्यू आ जाता है, एलिमेंट्री वैल्यू आता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू आता है तो क्या होगा, ठीक है? तो मैंने तुमको पहले बता दिया, अगर एलिमेंट्री वैल्यू है या फिर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू है तो वो टाइम पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे एज्यूम करेंगे, वो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो वो भी लिख लेते, चलो, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक और नाम है इसका, और हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, राइट? इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बात फिर से याद करा दूं तुमको कि अगर सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो फाइनाइट रहेगा तो एल्जेब्रिक स्केलर रिज्यूम करेंगे, और अगर वो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, हाँ स्मॉल बता रहा हूँ, स्मॉल या फिर एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ट्रीट करेंगे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारे 9 पॉइंट्स, ठीक है? तो हमने एक बार फिर से, मैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिपेंड करता है ओरिजिन पे, ठीक है, ये रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट ये बताया कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं क्लॉकवाइज में मेजर कर दूं तो वो हम लेंगे उसको नेगेटिव, ऐसा यूनिट होता है रेडियन, ठीक है? फिर बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं, इसके लिए वो कैसा है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर आए हम पॉइंट नंबर 8 में, फिर क्लियर बता दिया कि अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो अल्जेब्रिक स्केलर मीन स्केलर, और अगर एलिमेंट्री वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, तो हम उसको लेंगे वेक्टर, ठीक है? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 तक हम लोगों ने, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पॉइंट नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। हमारा पॉइंट नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। अभी तक मैंने तुमको बताया है कि अगर एलिमेंट्री वैल्यू है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 9 ज़रा ध्यान से देखना कि जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो सब लोग। तो पॉइंट याद होगा शायद सबको, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल क्या था, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या ओबे करता है, ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओबेस क्या ओबे करता है, ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, चलो देखते हैं फिर से एक बार, ओके?
तो जैसे आपको पता है कि सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, तो अगर हम थीटा वन बार ये फर्स्ट एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है प्लस सेकेंड एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, θ2 बार प्लस θ1 बार। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब 1 + 2 = 2 + 1। ठीक है, ऐसा तो ये हो गया कम्यूटेटिव, ओबे करता है अगर इन्फिनिटिसिमल स्मॉल वैल्यू है तो। लेकिन लेकिन हाँ देखो, ध्यान दो, एक सबसे मेन पॉइंट है, बट अगर थ्री डायमेंशनल मोशन है, बट इन थ्री डायमेंशन, ये पॉइंट भी आप याद करो, थ्री डायमेंशन, अगर थ्री डायमेंशन है तो वो टाइम पर θ1 बार प्लस θ2 बार इज नॉट इक्वल टू θ2 बार प्लस θ1 बार। ये थ्री डायमेंशनल में ओबे नहीं होता, राइट? ये सिर्फ कहाँ ओबे होता है, टू डायमेंशन, जो कि सर्कुलर मोशन। तो पॉइंट नंबर 10 भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सबको ऑलरेडी पता ही होगा राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यही हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में हम ये बताएंगे कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अभी तो हमने बता दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देख सकते हैं आप वेक्टर, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो सबसे मेन चीज़ होता है वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ होता है वो देखते हैं। तो एकदम क्लियर है, हमने ऑलरेडी राइट हैंड रूल में हमने देख लिया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, वो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन में मोशन होता है उसको परपेंडिकुलर। और उसका आंसर कैसे निकालते हैं, हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी वहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कहाँ से मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको राइट हैंड रूल से। और ये कौन सा वेक्टर है, ये एक टाइप का एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डायग्राम से ही हम कुछ समझने का ट्राई करते हैं। चलो ये दो डायग्राम ले लेते हैं और इससे एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करता हूँ आपको। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम आप देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो फर्स्ट डायग्राम, एक ऐसा ले लिया सर्कल, एक सर्कल यहाँ ले लिया। ओके, ज़रा ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं सबको, डायरेक्शन बता देता हूँ मैं आपको, दो अलग अलग डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये पॉइंट। तो सबसे पहला डायरेक्शन जो है फेमस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? और यहाँ पे वही हम हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो ये डायग्राम में हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ये प्रॉपर क्लॉकवाइज घड़ी का डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डायग्राम को एक साथ हम स्टडी करने का ट्राई करते हैं। सबको याद होगा कि इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं राइट हैंड रूल बता रहा हूँ सबको, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिखता होगा आपको शायद वीडियो में, यहाँ पे सेंटर से बाहर आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में हमने, चलो ये अज्यूम कर ले मार्कर हमारा राइट, ये मार्कर क्या है हमारा, मार्कर है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में हमने इसको हेल्ड कर दिया, विथ फिंगर कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच, सबको याद होगा, विथ फिंगर कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच। फिर बताया था इफ द कर्ल्ड फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, दिख रहे इसको देखो और मेरे हैंड्स को देखो, इफ द कर्ल्ड फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, देन द आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये केस में अगर मेरा फिंगर्स ऐसा कर्ल्ड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो थंब तो ऊपर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और कमिंग आउटवर्ड, दिख रहा है ऐसा। तो ये केस में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा एक सर्कल रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी थीटा बार, वो प्लेन को परपेंडिकुलर है और ऐसा बाहर आने का ट्राई कर रहा है, ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, सेम चलो क्लॉकवाइज में कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम, ये हो गया हमारा सेंटर, यहीं से जाएगा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, राइट हैंड मैंने उसको हेल्ड करके रख लिया, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद फिंगर कर्ल्ड। अब फिंगर कर्ल्ड देखो, ऐसा फिंगर कर्ल्ड करना पड़ेगा, ये डायग्राम पढ़ रहे हैं, विद फिंगर कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच, थंब को आउटस्ट्रेच कर लिया और फिंगर को कर्ल्ड भी कर लिया, जरा ऐसा देख लो फिर मैं वहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, विद फिंगर कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच। इफ द कर्ल्ड फिंगर गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, दिख रहा है कर्ल फिंगर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, देन द आउटस्ट्रेच थंब, आउटर ये दो आउटस्ट्रेच थंब है, देन द आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो फिंगर मुझे ऐसा कर्ल करना पड़ेगा, तो ये थंब तो नीचे जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन अभी भी है लेकिन
गोइंग इनसाइड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना यहाँ पे इसमें क्रॉस कर देंगे। क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कोई भी चीज़ का जाने का डायरेक्शन को, हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है लेकिन गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, चलो हम लिख लेते हैं पॉइंट। फिर हमने हमको क्या मालूम पड़ा कि हमको पता चला कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एक एक्सियल, देखो चेक करो एक्सिस क्या लोगे, ये ऊपर आ रहा है फिर ये किस में अंदर जा रहा है, तो ये एक्सियल वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन निकालते हैं कहाँ से, हम राइट हैंड रूल से। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, कौन से रूल से, इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और ये कौन सा वेक्टर, ये एक एक्सियल वेक्टर, एंड इट इज एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो आप ये भी समझ लो कि ये जो डायग्राम बना है वो दोनों डायग्राम यही पॉइंट का डायग्राम है, इसी पॉइंट का डायग्राम है, राइट है। तो फिर हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो सर्कल है, ये डॉट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता ही चल गया रहेगा कि ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, डी थीटा बार का डायरेक्शन, जो ये केस में कमिंग आउटवर्ड है और यहाँ पे गोइंग इनसाइड है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने अपना पॉइंट नंबर 11, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में हम एक रिलेशन निकालेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिए हैं। हमने याद है हमने पहले ऑलरेडी रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला था, वही रिलेशन यहाँ पे है लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे निकालेंगे, राइट। तो एक लास्ट पॉइंट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। टोटल डेप्थ मैंने आपको समझाया पूरा ये सब क्या है। तो यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लिख लेते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पे, ये नया टॉपिक नहीं है, वो वही टॉपिक के अंदर का एक पार्ट है, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, किसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम एकदम एक डायग्राम से एज्यूम करने का, डायग्राम से सीखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर पाथ पहले एज्यूम कर लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ, और ये हुआ हमारा वो सर्कुलर पाथ, ये हो गया सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज़ ऑलवेज टेकन एज ओ, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, फेमस डायरेक्शन हम बार बार वही ले रहे हैं क्योंकि एंगल पॉजिटिव ले सकते हैं वो केस में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मोशन है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, पहले ये बता देते हूँ, ये हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, किसका वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेस, लीनियर डिस्प्लेस सबको पता ही होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना एस इज इक्वल टू आर थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, तो ये कैसा रिलेशन हम निकालेंगे वो सब देखते हैं, ठीक है। ओके चलो हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, एक टाइप का एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन है, तो कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल है वो समझो पॉइंट पी से आ गया है अब पॉइंट क्यू पे, ये था हमारा पॉइंट नंबर पॉइंट पी और ये है हमारा पॉइंट क्यू, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा रेडियस वेक्टर भी बना लेते हैं, रेडियस वेक्टर, ये रहा आपका रेडियस वेक्टर ऐसा, ठीक है, ये हुआ हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक, यहाँ भी बना लेते हैं रेडियस वेक्टर, ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, ओके। मैं यहाँ बना यहाँ पे यहाँ लिख लेता हूँ, ये होगा हमारा आर बार, आर बार, आर बार आप समझ लो, आर बार मीन्स क्या होता है, आर बार मीन्स रेडियस वेक्टर, ओके।
तो पॉइंट ये है, व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इट विल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा वो डिस्क्राइब करेगा, एंगल थीटा तो डिस्क्राइब करेगा, साथ में वो डिस्प्लेसमेंट, देखो साथ में वो क्या करेगा, वो एक खुद तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले देखो यहाँ से लेके वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उसने, देखो यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हुआ आर्क लेंथ। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर निकालूँ, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सबको पता ही कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालूँ तो ज़रा ध्यान से देखो डायरेक्शन कहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, ये देख रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है एस बार। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी सबको पता ही होगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस बार, ठीक है। अब चलो एंगल देखो हमने क्या क्या निकाला, पहले वो देख लेते हैं, हमको पता है रेडियस वेक्टर आर बार, हमने बताया है कि सर्कल का जो सेंटर है वो है ओ, पार्टिकल पी से आ गया पॉइंट क्यू पे और एंटी क्लॉकवाइज में मोशन हो रहा है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। ओके, एक काम करते हैं, सबसे मेन चीज़ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे हमको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है ये वेक्टर क्वांटिटी कब होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी तब होता है जब थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम स्मॉल अगर थीटा लेंगे तो इसको कैसे हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में तुमको पता है ये वेक्टर फॉर्म कब होता है, थीटा वेक्टर फॉर्म नहीं हो सकता, थीटा वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा डी थीटा बार, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा कहीं और बना देता हूँ, देखो मैं कैसे, यहाँ देख लो, ठीक है, ये जो एंगल जो डिस्क्राइब किया है ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है नो डाउट, बट ये एंगल को मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको पता है इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, थीटा वेक्टर क्वांटिटी मतलब फाइनाइट वैल्यू रहेगा तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, पॉइंट एक पॉइंट और माइंड में फिट कर लो, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो स्मॉल होगा, ठीक है, तो हम ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको भी स्मॉल कर लेते हैं डी एस बार, ठीक है, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को। ओके चलो, हमने डी एस बना लिया, हमारे पास एस आ चुका है, हमारे पास थीटा आ गया है, ठीक है, ये डी थीटा बार का ज़रा डायरेक्शन हम निकालें, तो ज़रा डी थीटा बार का डायरेक्शन अगर आपको पता होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला मोशन पता ही है, डी थीटा बार का डायरेक्शन होता है ऊपर आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और कमिंग आउटसाइड ना, तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ डी थीटा बार तो वो डी थीटा बार कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा हमारा डी थीटा बार, ये होगा डायरेक्शन डी थीटा बार का, तो यहाँ पे लिखने से अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, हम ये वेक्टर बता ही रहे तो ऊपर ही बता देते हैं कि यही है हमारा डी थीटा बार, ये डायरेक्शन है डी थीटा बार का, देखो हमने तीन तीन डायरेक्शन बता दिया, हाँ ये एंगल जो था ये एंगल को हम चाहिए तो बता सकते हैं, यही बता देते हैं डी थीटा, ठीक है, वो एंगल जो है वो है डी थीटा। ओके अभी देखो क्या क्या हमने यहाँ पे बता दिया, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं सब कुछ एकदम अच्छे से। मैंने यहाँ पे ये बताया कि कंसीडर अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सेंटर ओ, रेडियस आर, ठीक है, ये टाइम जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसने एक एंगल डिस्क्राइब किया है, ठीक है, एंगल डिस्क्राइब किया वही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको वेक्टर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं डाला, वेक्टर मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डी एस बार, ये वेक्टर यहाँ पे, अगर मैं यही चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाऊँ यही चीज़ को अलग से बनाऊँ बाजू में यहाँ पे, तो ये कैसे होगा, देखो अगर मैं अगर यही पार्ट को थोड़ा अलग से यहाँ पे बनाता हूँ तो कैसे आएगा, ये आएगा कुछ ऐसे, देखो ये हो गया जो, देखो ये जो डी थीटा बार है मैं इसको अलग से यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हो गया मेरा डी थीटा बार, देखो मैं यही डायग्राम फिर से यहाँ पे थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ और कुछ नया चीज़ दें, ये हो गया मैंने डी थीटा बार, फिर ज़रा ध्यान से देखो ये पार्ट दिख रहा है सबको, ये पार्ट ये क्या था, ये रेडियस ही तो है, तो ये रेडियस देखो कैसा था, ये हुआ हमारा रेडियस, थोड़ा सा कर्व है, ये हो गया हमारा आर बार, ये था आर बार, ठीक है, ये आर बार बना लिया मैंने, ये डी थीटा बार भी बना लिया। अब ज़रा सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे, सब लोग ज़रा ध्यान से ये डी एस बार वाला वेक्टर को देखो, ये डी एस बार वाला वेक्टर मैं थोड़ा नज़दीक बना लेता हूँ,
यहाँ है ना डी एस बार, तो यहाँ बना लेता हूँ डी एस बार। ठीक है, ये डी एस बार वाला वेक्टर ज़रा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है डी एस बार, ये डी एस बार वाले वेक्टर को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है सबको, ये देखिए ये जो डी एस बार वाला वेक्टर, ये डी एस बार वाले वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ पे, देखो क्लियर दिखता होगा आपको, क्लियर ये है ना डी एस बार, ये इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करके यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो जब ये डी एस बार यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, कुछ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग क्लियर, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा डी एस बार। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको, क्लियर यहाँ पे एकदम दिखता होगा कि दिस आर बार, डी थीटा बार एंड डी एस बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंड, मतलब खुद आर बार डी एस बार को परपेंडिकुलर, ये दोनों इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है, याद करो वो पॉइंट जब मैंने हम लोग ने एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन था एस इज इक्वल टू आर थीटा बाय थीटा इन रेडियन, ऐसा याद करो। ठीक है, अब हमारे पास एस नहीं है, ठीक है हमारे पास एस तो अभी है नहीं, हमारे पास एस के जगह है डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हमको ये पता है, वी नो दैट, हमको पता है कि जो एस है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये रेडियन अब लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो कि वो थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। एस के जगह में हम लोग लिखेंगे डी एस, ठीक है एस के जगह पे हम लिखने वाले हैं डी एस, आर तो आर ही है, मैं ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में आगे लिखने वाला हूँ, एस इज इक्वल टू आर लिख दिया डी एस, एस के जगह पे डी एस लिख दिया, आर तो आर ही है डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम में थीटा नहीं, डायग्राम है डी थीटा, तो यहाँ पर डी थीटा लिख दूँ। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में आएगा तो वेक्टर फॉर्म हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है वेक्टर फॉर्म यहाँ से निकालेंगे, हमारा आंसर है डी एस बार, हमारा आंसर क्या है डी एस बार, मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये आंसर किससे बना हुआ है, डी एस बार जो आंसर है वो बना किससे है, वो बना है आर बार से और डीटा, सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर बन मिलता है, वो जो तीसरा वेक्टर है वो बाकी दो वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, याद है ना सबको, तो यही तीसरा वेक्टर हमारा आंसर है डी एस बार। डी एस बार इज अ, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एस बार, ये है परपेंडिकुलर टू आर बार एंड डीटा बार। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो मेरे को क्लियरली क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा डी एस बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो डी थीटा बार क्रॉस डी आर बार करूँ, या तो दूसरा ऑप्शन है आर बार क्रॉस डी थीटा बार। लेकिन डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो, सब लोग डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर मैं डी थीटा बार से आर बार पे आऊँ तो जाके मुझे मिलेगा डी एस बार, आर बार से डी थीटा बार को तो नहीं मिलेगा, तो पीछे मिल जाएगा, पीछे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो डी थीटा बार का मैं क्रॉस करूँगा आर बार के साथ तो जाके मिलेगा मुझे डी एस बार। पढ़ा रहेगा सबने, राइट है, ये पढ़ा है सबने, ओके ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्लियर है, जो डी एस बार आ रहा है, ये डी एस बार जो आ रहा है, ये डी एस बार कहाँ से आ रहा है, दिस डी एस बार इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वॉट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी थीटा बार एंड आर बार, डी थीटा बार और आर बार का, डी थीटा बार एंड आर बार, ये दो चीज़ का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डी एस बार। ठीक है, तो ये हमने टोटल कंप्लीट कर लिया ये पार्ट, चलो इसको हम रिपीट भी कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमने हमने यहाँ पे ये देखा है कि फॉर इन्फिनिटिसिमल स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल है वो ओबे करता है, वो क्या ओबे करता है, वो ओबे करता है कमोटेटिव लॉ, लेकिन थ्री डायमेंशन में ऐसा नहीं होता, राइट है। फिर हम पॉइंट नंबर 11 में आए, अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी थीटा बार, ये क्या रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कमिंग आउटसाइड, व्हेन इट इज, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन ऑल्सो द डी थीटा बार विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट गोइंग इन साइड, अंदर जा रहा है। फिर हमने 12th पॉइंट देखा, 12th पॉइंट हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन निकाला, वेक्टोरियल रिलेशन निकाला बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर बताया, ये चीज़ का अब जरूरत नहीं, ये चीज़ जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था कि इससे मैंने ये बनाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बना दिया है, ये फॉर्मूला किसका है, ये है एक रिलेशन, ठीक है ये क्या है, एक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला रेडी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ाया मैंने। ठीक है, ओके।